दोस्तों नंबी नारायण, जानते हैं आप वो कौन है जिसे आर माधवन ने जिनके ऊपर मूवी बनाई है? मैं बताता हूँ, 1994 में नंबी नारायण जो कि इसरो के साइंटिस्ट थे, उनको भारतीय गवर्नमेंट ने जासूसी कांड में गिरफ्तार किया। 50 दिन तक टॉर्चर करने के बाद 1998 में उन्हें बाइज्जत बरी किया गया। गवर्नमेंट ने 1 करोड़ रुपया भी दिया। 22 साल के स्ट्रगल के बाद 2018 में उन्हें 50 लाख रुपया और दिया गया। 2019 में उन्हें भारत में पद्म भूषण से भी नवाजा गया। नंबी नारायण जो मूवी आर माधवन ने बनाई है वो एक बहुत ही वेल डायरेक्टेड एंड वेल एक्टेड मूवी है और इसमें प्रोड्यूसर भी आर माधवन है। क्योंकि खान साहब फिर उन्होंने कहा कि आपको बताइए कि डेट क्या चाहिए और क्या करना है। फिल्म को उन्होंने हिंदी में भी की और इंग्लिश में भी मेरे साथ, और उन्होंने कोई पैसे नहीं लिए। ढंग का नतीजा निकले। अगर आपको लग रहा है ये सब फजूल है तो फिर आप यहाँ पर आए कि टू मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे साथ जो हुआ वो स्टेज में किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। और सेम थिंग सूर्या ने भी कहा। वो बेचारे साउथ से आ गए, अपनी पूरी टीम को फ्लाई करके बॉम्बे आए और वो डायलॉग राइटर को लेकर आए हुए थे अपने, ताकि उनका डायलॉग वो समझ सके इंग्लिश, उसको अनुवाद करके जो तमिल में लिखना था, सब कुछ किया। किसी ने मुझसे पैसा नहीं लिया। 9.3 IMDb रेटिंग में है और 98% लोग जो गूगल में है सारी मूवी की बड़ाई कर रहे हैं। मेरी आपसे ये इच्छा है कि इस इसरो के वैज्ञानिक जो कि भारत के टॉप वैज्ञानिकों में इनका नाम आना चाहिए, उनकी ये मूवी हमें जाके थिएटर में जरूर देखनी चाहिए। और अगर ये मूवी हम नहीं जाते, हम केवल वेट करते हैं OTT में आने का, तो ऐसी मूवी बनाने की कोई आगे से हिम्मत नहीं करेगा। तो हमें सुपरहिट बनाने के लिए इस मूवी को ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाके थिएटर में देखनी चाहिए। बाकी मूवीज तो ऐसी चलती हैं, इन मूवीज के लिए हमें लोगों तक इस वीडियो को शेयर भी करना चाहिए ताकि लोग इस मूवी को जाके थिएटर में देखें। तो चलिए, बाय बाय, सी यू इन थिएटर।